दोस्तों आज दुनिया भर के विभिन्न देशों में सिल्क वर्म का पालन कर उससे रेशम प्राप्त किया जाता है और प्राप्त किए गए रेशम से कपड़े और अन्य सामान बनाए जाते हैं। रेशम को कपड़ों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिस कारण से रेशम के बने हुए कपड़े और सामान बाजार में काफी ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं और यही कारण है कि रेशम को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में चाइना सिल्क प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम के बने हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों रेशम को पहले केवल जंगलों से ही प्राप्त किया जाता था, लेकिन 2700 BC में पहली बार चाइना में सिल्क वर्म पालकर उससे रेशम प्राप्त किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि रेशम मौत के लाइफ साइकिल में उपयोग किए जाने वाले ककून से प्राप्त किया जाता है, लेकिन सभी मौत स्पेसीज रेशम प्रदान नहीं करती है। आज पृथ्वी पर मौत की लगभग 160,000 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इन सभी मौत के प्रजातियों में केवल 500 से 600 प्रजातियां ही ऐसी है जो कि रेशम प्रदान करती है, यानी कि लार्वा स्टेज से प्यूपा स्टेज में जाने से पहले अपने लिए ककून का निर्माण करती है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम मौत के कुछ ऐसे प्रजातियों के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल आज सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर मलबेरी सिल्क वर्म आता है, जिसे शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है क्योंकि इसे शहतूत के पत्ते खाना काफी पसंद होता है। उसके बाद टसर, ओक टसर, इरी और मुगा सिल्क वर्म आते हैं, जिसे अर्जुन, ओक, कास्टर, सोम और सोला के पत्तियों पर पाला जाता है। लेकिन इसके पालने की प्रक्रिया की शुरुआत, या यूं कहे तो इन सभी मौत के जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत मेल और फीमेल मौत के मिलन के प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। मेल और फीमेल मौत के मिलन की प्रक्रिया 8 से 10 घंटों तक चलती है। मिलन के इस प्रक्रिया के बाद मादा के शरीर में अंडों का विकास शुरू हो जाता है और अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर मादा 10 से 25 दिनों के बाद अंडे देना शुरू करती है और एक मादा 200 से 300 तक अंडे देती है। इनके अंडे सफेद या हल्के पीले रंग के होते हैं और यह साइज में 1 mm से लेकर 1.3 mm तक बड़े होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मादा द्वारा अंडों को शहतूत, ओक, अर्जुन, सोम, सोला जैसे पेड़ या उनकी पत्तियों पर दिया जाता है ताकि अंडों से निकलने वाले लार्वा को खाना मिल सके, जिससे वह जल्दी से विकसित हो सके। दोस्तों अंडों से लार्वा को बाहर निकलने में 20 से 30 दिनों का समय लग जाता है, जिसके बाद वह अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि लार्वा स्टेज में चले जाते हैं। लार्वा स्टेज में जाने के बाद कैटरपिलर पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वह जल्द ही बड़े हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि कैटरपिलर लार्वा स्टेज के शुरुआती दिनों में कई बार खाना खाते हैं, वहीं जब यह पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब यह खाना खाना छोड़ देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लार्वा स्टेज में पत्तियों को खाकर जब कैटरपिलर विकसित हो रहे होते हैं तब यह अपने स्किन को हर 4 से 5 दिनों पर बदलते हैं। एक सिल्क वर्म लार्वा स्टेज में 20 से 30 दिनों तक रहते हैं और इस दौरान यह अपने स्किन यानी शरीर के बाहरी आवरण को 3 से लेकर 6 बार तक बदलते हैं। दोस्तों लार्वा स्टेज के आखिरी दिनों में कैटरपिलर पत्तियों को खाना छोड़ देती है और अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी कि प्यूपा स्टेज में जाने के लिए ककून का निर्माण करना शुरू कर देती है। ककून के निर्माण में लार्वा को 3 से 5 दिनों का समय लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि लार्वा जिस चीज का इस्तेमाल कर अपने लिए ककून का निर्माण करती है वह एक प्रोटीन होता है जिसे सेरिसिन कहा जाता है। जब ककून के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब लार्वा ककून के अंदर खुद को एक प्यूपा में बदल लेता है और अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी कि प्यूपा स्टेज में चला जाता है। दोस्तों सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसी ककून के इस्तेमाल से रेशम बनाया जाता है, जिसके लिए इस ककून को धूप में सुखाया जाता है और गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि ककून में आपस में चिपके हुए रेशम एक दूसरे से अलग हो जाए, जिसके बाद रेशम के धागों को एक रील में जमा कर लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सिल्क वर्म के एक ककून से 300 से लेकर 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा प्राप्त होता है, जिसके इस्तेमाल से कपड़ा और अन्य सामान बनाए जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों प्यूपा मार दिए जाते हैं। खैर अब हम सिल्क वर्म के जीवन चक्र की प्रक्रिया पर वापस आते हैं। लार्वा से प्यूपा बनने के बाद यह ककून के अंदर ही रहते हैं, जिस दौरान सिल्क वर्म मौत के आंख, सिर, पैर, पंख, एंटीना तथा शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं। मौत के शरीर के विभिन्न अंग विकसित होने की प्रक्रिया में 10 से लेकर 14 दिनों का समय लग जाता है, जिसके बाद एक एडल्ट मौत ककून से बाहर निकलता है और अपने लाइफ साइकिल के चौथे चरण यानी कि एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि से लेकर एक एडल्ट मौत बनने में सिल्क वर्म को 8 से लेकर 12 सप्ताह का समय लग जाता है और एडल्ट मौत बनने के बाद यह केवल 3 से लेकर 5 दिनों तक ही जीवित रहते हैं, जिस दौरान यह मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।